आईपीएल 2024 का दूसरा बड़ा मुकाबला खेला गया पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, जिसे पंजाब किंग्स ने 4 विकेट से जीत लिया है। लियम लिविंगस्टन, लास्ट तक ये पारी लियम लिविंगस्टन ने खेली। अगर मैच की शुरुआत की बात करें तो पंजाब किंग्स ने टॉस जीता था और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। गेंदबाजी करने का फैसला जो पंजाब किंग्स का है, कहीं ना कहीं उनके हित में जाते हुए भी नज़र आया। काफ़ी जो है अच्छी गेंदबाजी पहले पंजाब किंग्स के बॉलर्स ने यहाँ पर की, लेकिन एक वक्त आया जब यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर जो आए अभिषेक पौरल, जिन्होंने पूरे गेम का रुख बदल दिया। मात्र यहाँ पर 10 गेंदों में 32 रन अभिषेक पौरल ने बनाए और 174 रन्स बनाने में कामयाब रही दिल्ली कैपिटल्स की टीम। उसके बाद पंजाब किंग्स बल्लेबाजी करने उतरी और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर पंजाब किंग्स के बैटर्स से हमें देखने को मिली। शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, पहले ही ओवर में यहाँ पर 17 रन आ चुके थे यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम की ओर से। उसके बाद बात करेंगे कप्तान शिखर धवन की, तो 22 रन यहाँ पर उन्होंने बनाए 16 गेंदों में। जॉनी बेयरस्टो 9 रन बना पाए, रन आउट हो गए थे। ईशांत शर्मा ने इन्हें यहाँ पर रन आउट किया। उसके बाद प्रभ सिमरन 17 गेंदों में 26 रन उन्होंने बनाए। और उसके बाद आज के मैच के हीरो कहीं ना कहीं कह सकते हैं सैम करन, जिन्होंने 47 बॉल्स में 63 रन बनाए। उसके बाद खलील अहमद की गेंद पर ये आउट हो गए। जितेश शर्मा 9 ही रन बना पाए। उसके बाद लियम लिविंगस्टन आए और 38 रन की पारी खेली 21 बॉल्स में। तो इसी के साथ पंजाब किंग्स जीत चुकी है आईपीएल 2024 का दूसरा बड़ा मुकाबला।